हेलो दोस्तों, आप दिख रहे हैं मेकजो का ब्लेंडर का ट्यूटोरियल नंबर 63। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि हम टोपी कैसे बनाते हैं। जैसा कि आपने मेकजो कप में देखा होगा कि ठंडे का मौसम है और कैरेक्टर टोपी पहना हुआ है, तो ऐसे ही मुझसे एक सवाल पूछा गया था कि सर मुझे टोपी बनाना सिखा दीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम टोपी बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है टेक्सचर वाली, तो आप देख लीजिए, क्योंकि हम इसमें उसी का यूज करने वाले हैं। क्योंकि जब हम यूज करेंगे तो आप समझोगे कि ये टेक्सचर कैसे हो गया, ठीक है। तो इसलिए बता रहा हूँ कि आप प्रीवियस देख लीजिए वीडियो को और फिर से इस वीडियो को देखें, ठीक है जी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुन्ना पटेल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब की चैनल इजी वे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहां पे कैरेक्टर देख रहे हैं, तो अब हमें क्या करना है, जो मैं की को प्रेस करूंगा, मैं आपको बता दूं, यहां पे आप देख लेंगे आपको दिखाई देगा, ओके। अगर मैं बताना भूल जाता हूं तो ठीक है। सबसे पहले मैं कर्सर को सेंटर कर लेता हूँ, शिफ्ट एस प्रेस करूँगा, कर्सर टू सेंटर, गुड। उसके बाद से शिफ्ट ए प्रेस करूँगा, मेस में जाऊँगा और यहाँ पर जा कर के सर्कल ले लूँगा, ठीक है जी। सर्कल हमारा कहाँ है, तो अगर मैं आपको टॉप व्यू से दिखाऊँ तो आप देख रहे होंगे सर्कल मेरा यहाँ पे है, ठीक है। मैं वन प्रेस करके सर्कल को बिल्कुल ऊपर की तरफ ले आता हूँ, आप देख सकते हैं ये मेरा सर्कल हो गया, ओके जी। अब मैं एस प्रेस करके सर्कल को छोटा कर लेता हूँ, ठीक है जी। थ्री प्रेस करके सर्कल को थोड़ा सा इधर की तरफ ला लेता हूँ, गुड। एस प्रेस करके बड़ा करता हूँ ताकि हमारा सर्कल दिखाई दे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करना है कि ये गर्दन के पास आ करके बिल्कुल चारों तरफ से ये दिखाई दे। अगर इसका पार्ट अंदर रहता है तो फ्रेंड्स काफ़ी सारा परेशानी आपको हो जाएगी आपको यहाँ पे वीडियो बनाने में, ओके जी, ओके। हाँ ठीक है जी, क्योंकि अगर एक बार गलती हो गई तो आप रेंडर करेंगे तो काफ़ी सारा आपको फेसेस करने पड़ेंगे प्रॉब्लम का, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, जस्ट यहाँ पे एडिट मोड में जाता हूँ, लीजिए एडिट मोड में चला गया। मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। एडिट में जाने के बाद ई प्रेस करके छोड़ दीजिए, थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा लीजिए, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, एस प्रेस करके बस ऐसे शेप में ले जाना है, ठीक है जी। अब ई प्रेस करना है, एस प्रेस करके थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, बिल्कुल ऐसे, ओके जी, कोई दिक्कत नहीं। अब वन प्रेस कर लीजिए, फिर ई प्रेस करके अब ऊपर की तरफ ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब देख रहे हैं ना, यहाँ से कुछ हिस्सा बाहर निकला हुआ है, थोड़ा सा हिस्सा आगे की तरफ कर लीजिए, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं होगा, ओके। अब आप ई प्रेस करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाइए, चलिए मैं लेता हूँ, ये लीजिए, थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे पीछे की तरफ निकला हुआ है, तो इसे बाहर की तरफ कर लीजिए, ठीक है। और एस प्रेस करके बड़ा कर लीजिए ताकि ये पूरी की पूरी यहाँ पे इसे आपको बाहर की तरफ से दिखाई दे, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा बनाना है कि आपको बाद में जब भी आप इसे कलर दें तो ऐसा ना लगे कि कोई हिस्सा, देख रहे हैं ना, ये कुछ हिस्सा आपका अंदर रह गया हो तो कलर अंदर ही रह जाएगा, तो बिल्कुल टॉपिक की तरफ फीलिंग नहीं आएगी, ओके जी, कोई दिक्कत नहीं है। वन प्रेस करता हूँ मैं, ठीक है ना, फिर से ई प्रेस करके छोड़ देता हूँ, ऊपर की तरफ ले जाता हूँ, ठीक है। एस प्रेस करके बड़ा कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, चारों तरफ से आप देखते रहिए, ओके जी। फिर वन प्रेस करता हूँ, ई प्रेस करके ऊपर की तरफ ले जाता हूँ और एस प्रेस करके बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। ई प्रेस करके ऊपर की तरफ ले जाना है, एस प्रेस करके बड़ा कर लेना है, ई प्रेस करके ऊपर की तरफ ले जाना है, एस प्रेस करके बड़ा कर लेना है, ओके। फिर ई से ऊपर, चलिए पहला ले जाता हूँ मैं, ओके। एस प्रेस करके बड़ा कर लूँगा मैं, फिर इसे ऊपर ले जाऊँगा मैं, एस प्रेस करके अब छोटा करूँगा मैं, ओके जी। फिर ई प्रेस करके ऊपर की तरफ, एस प्रेस करके अब छोटा करूँगा मैं, चलिए लीजिए, गुड। फिर आपको ई प्रेस करना है, ऊपर की तरफ ले जाना है, थोड़ा सा छोटा करना है, ठीक है जी, ये लीजिए, ये लीजिए, ओके। फिर इसे ऊपर, इससे छोटा करना है, फिर इससे ऊपर, फिर ऐसे छोटा करना है, फिर इससे ऊपर, फिर इससे छोटा करना है, ठीक है ना। अब इसे छोटा करके
ऐसे कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसे ऊपर की तरफ उठा लीजिए, ठीक है ना, ऐस प्रेस करके, कोई दिक्कत नहीं है, देखो जरा मैं। ओके, अब आपको क्या करना है, जस्ट आपको आप ये जो है ना, इसको भरने के लिए आपको एफ प्रेस करना है, यहाँ पे लीजिए, हो गया। ओके, वन प्रेस कर लीजिए, यहाँ पे जाइए। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, जस्ट ऑब्जेक्ट मोड में चले जाइए और यहाँ से स्मूथ कर लीजिए, ठीक है ना, कुछ तरह इस तरह से दिखाई देगा। ओके जी, अब आपको फिर से एडिट मोड में जाना है, ठीक है ना, और यहाँ से कुछ हिस्से को आप सेलेक्ट कर लीजिए। पहले फेसेस को यहाँ पे ले लीजिए, अब यहाँ से कुछ हिस्से को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके जी, ठीक है ना, मैं यहाँ से भी ले लेता हूँ, ये और ये हिस्सा, ठीक है ना। एक्सप्रेस करता हूँ, फेस पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देख रहे हैं आप, कुछ हिस्सा दिखाई देने लगा। ओके, अब मैं यहाँ से थोड़ा सा ले लूँ, लेकर के देख लेता हूँ कैसा दिख रहा है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके जी, अब मैं यहाँ पे जस्ट ऑब्जेक्ट मोड में आ जाता हूँ, आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से ये हमारा दिखाई देने लगा। ओके जी, अब हमें क्या करना है, यहाँ से आप खुद चाहें तो यहीं से आप कलर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम यहाँ पे टेक्सचर का यूज करें। तो जस्ट अब यहाँ पे मैं जाऊँगा, क्लिक करूँगा, फिर यहाँ पे टेक्सचर के लिए, इसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूँगा। वैसे मैं टेक्सचर की वीडियो मैंने पिछले बना चुका हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उसे देख लें। ओके जी, अब मैं यहाँ पे आऊँगा, ओपन पे क्लिक करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि कौन सा इमेज मैं यूज करने वाला हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा है टू, ठीक है जी, ये मैं थोड़ा सा आपको ऑन करके दिखाता हूँ, ये एक फ़ोटो है, ठीक है जी, मैं इसी का यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले हम इसको यूज करके देख लेते हैं कैसा दिख रहा है, ठीक है, फिर दूसरी अप्लाई करके देख लेंगे। ओके जी, तो अब क्या करते हैं कि मैं यहाँ पे ब्लेंडर ओपन कर लेता हूँ, ओपन पे जाता हूँ, कहाँ पे है मेरा वो इमेज, तो डेस्कटॉप पे है, कौन से, तो टेक्सचर वाले फोल्डर में है, तो कहाँ पे है ये, हेड टू। ओके, देन ओपन कर लेता हूँ मैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पे अप्लाई हो गया है, लेकिन दिखेगा कैसे, तो यहाँ पे रेंडर मोड में दिखेगा, ठीक है ना, लाइट अच्छी नहीं है, तो मैं यहाँ पे लैंप में जाता हूँ और यहाँ पे लाइट पे आकर के यहाँ पे हेमी चूज कर लेता हूँ, ठीक है ना, तो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे टोपी ठीक है, बट कलर इसको टेक्सचर में थोड़ा सा दूसरा दें तो और अच्छा लगेगा, है ना जी। तो चलिए देख लेते हैं करके, फिर से मैं यहाँ पे आता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे जस्ट जाता हूँ, सॉलिड मोड में जाता हूँ, अपने कैरेक्टर को सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से मैं इस इमेज को हटा देता हूँ, ठीक है। फिर से मैं आपको कौन सा यूज़ करके दिखाऊं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसे अगर मैं आपको प्ले करके देखिए, यहाँ पे ये कुछ इस कलर का है। फ्रेंड्स, जिस तरह का आप इमेज यूज करेंगे उसी तरह का आपका कलर होगा, ठीक है जी, मैं सेम उसी हूँ बहू आपको वहाँ पे दिखाई देगा। तो चलिए यहाँ पे इसको भी एक नाम दे देता हूँ मैं, फोफो ऐसे ही देता हूँ ना। जस्ट मैं जाता हूँ यहाँ पे, फिर से ओपन, कहाँ पे, डेस्कटॉप पे, कौन से फोल्डर में, तो यहाँ पे टेक्सचर में, तो फोर मैंने किया था नाम, ओपन इमेज, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा हम चल के रेंडर व्यू में देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ये कोई दिक्कत नहीं है, होप सही है। देन अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसका फेस का मैं सही कलर कर दूँ, है ना, तो सॉलिड मोड में जाता हूँ, इन्हें सेलेक्ट करता हूँ मैं, इनको सेलेक्ट करने के बाद जस्ट मैं यहाँ पे कलर पे जाता हूँ मैं, देन थोड़ा सा देख लूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा कलर दे दिया है मैंने, ठीक है जी, एमिशन भी मेरा 0 है, सैडनेस भी ठीक है, ओके सब ठीक है, थोड़ा सा कलर में चेंज कर देता हूँ फेस का, लीजिए। अब हम यहाँ पे कैमरा यूज़ कर लेते हैं, 3 प्रेस करता हूँ मैं। ओके, अब मैं यहाँ पे एक कैमरा यूज़ कर लेता हूँ, शिफ्ट ये, यहाँ पे एक कैमरा ले लेता हूँ मैं, आर और ए जेड प्रेस करके, जे डायरेक्शन में से थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ ताकि आगे की तरफ दिखाई दे। 0 प्रेस करता हूँ तो हमारा कैरेक्टर कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, तो कैरेक्टर को थोड़ा सा मैं ले जाऊँ, तो सबसे पहले मैं हेड को सिलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद से बॉडी को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है ना, कंट्रोल जे से मैं यहाँ पे ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है, और अब मैं बोन को भी सिलेक्ट करके जस्ट इसे ऊपर की तरफ उठा देता हूँ। ओके, अब F12 प्रेस करता हूँ, तो कुछ इस तरह से ये हमारा
दिखाई दे रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो आप इस तरह करके आप अच्छा खासा टोपी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड ये वीडियो देखने के लिए।